नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं प्रियंका आप सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूं। कैसे हैं आप लोग दर्शकों? आज हम बात कर रहे हैं देव गुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन के बारे में। आने वाले 30 अप्रैल 2024 को देव गुरु बृहस्पति मेष राशि से निकल करके वृषभ राशि में संचार करने वाले हैं। बृहस्पति के इस गोचरीय परिवर्तन का क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है मेष से मीन राशि तक के जातकों के जीवन पर, इसके बारे में आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। देव गुरु बृहस्पति जो कि ज्ञान के कारक हैं, शिक्षा के कारक हैं, धर्म के कारक हैं, अध्यात्म के कारक हैं, धन के कारक हैं, प्रेम के कारक हैं, शादी विवाह के भी कारक हैं, तो देव गुरु बृहस्पति लाइफ में मिलने वाले सभी सुखों के, ऑलमोस्ट बहुत सारे सुखों को प्रदान करने वाले ग्रह देव गुरु बृहस्पति ही हैं। जिनकी कुंडली में देव गुरु बृहस्पति की पोजिशन अच्छी होती है उनको लाइफ में बहुत सारी चीज़ें इजीली मिल जाती है, क्योंकि भाग्य के कारक बृहस्पति ही हैं। जिनकी कुंडली में बृहस्पति अच्छे होते हैं उनका भाग्य अच्छा होता है, पिता की पोजीशन अच्छी होती है, उनकी स्टडी इंटरमीडिएट तक की भी स्टडी और हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छा हो जाता है और बहुत इजीली हो जाता है। इनको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, घर परिवार का सपोर्ट अच्छा रहता है, नॉलेज भी काफ़ी अच्छा रहता है। तो बृहस्पति की पोजीशन अच्छी होने से ये सारी चीज़ें अच्छी होती हैं। लेकिन यही अगर बृहस्पति की पोजीशन जन्म कुंडली में कमज़ोर है या अशुभ स्थान पर बृहस्पति है तो इन सब चीज़ों से मिलने वाले सुख में कमी आती है, यानी अधिक संघर्ष के बाद आपको धन की प्राप्ति होती है, अधिक संघर्ष के बाद आप घर परिवार में कोई चीज़ बना पाते हैं, कोई फैसिलिटी दे पाते हैं, आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको बहुत सारी अड़चनें फेस करनी पड़ती है। अब मेष से मीन राशि तक के जातकों को बृहस्पति का जो राशि परिवर्तन होगा इसका क्या कुछ फल प्राप्त होने वाला है इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो आपके राशि से द्वितीय भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा, तो द्वितीय भाव जहाँ के देवगुरु बृहस्पति कारक हैं और देवगुरु बृहस्पति ही ज्ञान के भी कारक हैं, द्वितीय स्थान धन का स्थान है, वाणी का स्थान है, तो इस समय पर आपके वाणी में मधुरता आएगी। वाणी में मधुरता आने से बहुत सारे लोगों से आपकी अनॉन मीटिंग होंगी और इससे आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। यानी अगर आप बिजनेस पर्सन हैं तो आपका कुछ पहले से रुका हुआ काम इनके थ्रू बनेगा। आपकी कोई मीटिंग होती है वो मीटिंग बहुत अच्छी होगी, बहुत सक्सेसफुल होगी। कोई नया प्रोजेक्ट, नया टेंडर आपके हाथ लग सकता है। आपकी सेविंग्स इस समय पर बहुत अच्छी होगी। कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसमें बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और यदि आपके कोई पुराने शत्रु हैं तो वो शत्रु वर्ग आपके शांत होंगे, आपके सामने नतमस्तक होंगे या हार मान लेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई यदि पीड़ा चल रही थी पूर्व समय से तो वो पीड़ा खत्म होगी और स्वास्थ्य में अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ गुप्त ज्ञान, गुप्त विद्याएं सीखने का मौका मिलेगा, जैसे कि आप एस्ट्रोलॉजी सीख सकते हैं या कोई भी नई लैंग्वेज सीख सकते हैं। फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए यदि आप प्रयासरत हैं तो आप सीख सकते हैं। यदि आप विदेश जाना चाहते हैं तो इस समय पर बाहर जाने के भी बहुत अच्छे चांसेस बनेंगे। वर्क प्लेस से रिलेटेड आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, भाग्य का सहयोग मिलेगा और कार्य क्षेत्र में अच्छे लाभ देखने को मिलेंगे। कुछ बनाए काम आपके और अच्छे प्रगति पर पहुंचेंगे और कुछ रुके हुए काम आपके बहुत अचानक से होने लगेंगे, तो इन सभी चीज़ों में आपको बहुत अच्छे बेनिफिट देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वृषभ राशि के जातकों के बारे में। तो आपके राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा और देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके राशि में आपको बहुत ही बुद्धिमान बनाएगा। इस समय पर आपके नेम फ्रेम में वृद्धि होगी, आप कुछ ऐसे काम करेंगे, सडनली प्लानिंग करेंगे और सडनली वर्क करेंगे, धर्म कर्म में रुचि रहेगी। इस समय पर स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, हायर एजुकेशन के लिए समय बहुत अच्छा है, घर परिवार का सहयोग मिलेगा और आप यदि किसी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे तो उसमें बहुत अच्छी सक्सेस आपको मिलने वाली है। इसी के साथ साथ आपके जीवन साथी का अच्छा सहयोग मिलेगा, बिजनेस में बहुत अच्छी सफलताएं मिलेंगी। इस समय पर कोई भी नया बिजनेस स्टार्ट करना, कोई भी नया काम स्टार्ट करना और किसी भी नए क्षेत्र में अध्यात्म की तरफ अगर आप बढ़ते हैं तो किसी भी नए क्षेत्र में प्रवेश करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग रहेगी इस समय पर और बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, कोई भी पहले से सोची हुई प्लानिंग आपकी अब सक्सेसफुल हो सकती है। तो कुछ इस प्रकार से फल मिलने वाले हैं वृषभ राशि के जातकों के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि की। तो आपके राशि से द्वादश भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वादश भाव में होना
द्वादश भाव व्यय का भाव है। यहाँ पर बृहस्पति जो कि धन के कारक है, धर्म के कारक है, शिक्षा के कारक है, इन सभी चीज़ों का व्यय, तो इस समय पर धन का व्यय अधिक मात्रा में होगा, लेकिन वो व्यय आपका कुछ घर परिवार से संबंधित सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी के अंतर्गत होगा। यानी देवगुरु बृहस्पति आपके चतुर्थ भाव को देखेंगे तो आप कोई नया मकान ले सकते हैं, भूमि ले सकते हैं, वाहन आदि का सुख आपको प्राप्त हो सकता है। इन सब चीज़ों में आपका धन व्यय होगा, लेकिन वो धन व्यय भी आपका सार्थक होगा क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। जहाँ बैठते हैं वहाँ के लिए तो अच्छा फल प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन जहाँ देखते हैं वहाँ के लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। तो इस समय पर आपके घर परिवार सुख सुविधाओं से संबंधित वृद्धि होगी, और साथ में कोई कोर्ट केस अगर चल रहा है तो वो मामला आपका शांत होगा, यानी आपके पक्ष में हो जाएगा या केस समाप्त हो जाएगा। इसके साथ साथ इस समय पर कुछ गुप्त ज्ञान की भी आपको अगर अभिलाषा है, आप सीखना चाह रहे हैं, तो गुप्त ज्ञान की भी प्राप्ति हो सकती है। यदि कहीं पर आपका धन फंसा हुआ है तो अचानक से वो धन आपको प्राप्त हो सकता है। स्वास्थ्य में अनुकूलता देखने को मिलेगी और साथ ही धर्म कर्म के कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने का भी आपको मौका मिलेगा और इसमें आपको अच्छी रुचि भी रहेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कर्क राशि की। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर एकादश स्थान में रहेगा। एकादश स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है, आपको बहुत अच्छे लाभ देने वाला है। सडनली कुछ आपकी मीटिंग्स फिक्स हो सकती हैं जिसमें आपको एक नया प्रोजेक्ट मिल सकता है, नए काम मिल सकते हैं, जॉब में प्रमोशन हो सकता है, और बिजनेस और जॉब दोनों में ही बहुत अच्छी सक्सेस मिलने वाली है आपको। हर दिन के एक डेली इनकम आपकी बढ़ने वाली है और इसी के साथ साथ आप कुछ नए कार्य भी प्रारंभ कर सकते हैं। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, नेम फ्रेम चारों तरफ बढ़ेगा आपका, और इस समय पर आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको बहुत अच्छी सक्सेस मिलेगी। विद्यार्थी वर्ग के लिए समय बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इस समय पर यदि आप कोई नई प्लानिंग कर रहे हैं स्टडी से रिलेटेड, तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। यदि आप अपने संतान के लिए, यदि आप नव दंपति हैं, अपने संतान के लिए प्रयासरत हैं, तो संतान की इस समय पर संतान का बहुत अच्छा सुख मिलेगा, संतान से कुछ बहुत अच्छे लाभ भी देखने को मिल सकते हैं। यदि आप शादी विवाह के लिए प्रयासरत हैं तो आपका विवाह होने का इस समय पर योग बन रहा है, और इसके साथ ही बिजनेस में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। पार्टनर बिजनेस अगर आप पार्टनरशिप में करना चाह रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सिंह राशि की। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके कर्म स्थान यानी दशम स्थान में रहेगा। दशम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपको कार्य क्षेत्र में नई नई तरक्कियां देने वाला है। कार्य के लिए नई जॉब मिलना, यदि आप नई जॉब की तलाश में थे तो नई जॉब आपको मिलने वाली है। यदि आप प्रमोशन की चाह रख रहे थे तो इस समय पर आपके प्रमोशन के योग बनेंगे। इस समय पर आप कोई नई इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी जमीन कोई ख़रीदना चाह रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छा, या इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसमें आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। ज़मीन का क्रय विक्रय यानी सेल परचेस आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, उसमें भी आपको अच्छे बेनिफिट्स होंगे। और साथ ही कुछ पुराने शत्रु आपके, यदि आपको परेशान कर रहे थे, तो वो शत्रु भी अब आपके शांत होंगे, आपके फेवर में भी कुछ काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कन्या राशि की। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर भाग्य स्थान में रहेगा। भाग्य यानी नवम स्थान के कारक देवगुरु बृहस्पति हैं, तो भाग्य का सहयोग मिलेगा, भाग्य में वृद्धि होगी, कुछ रुके हुए कार्य पूरे होंगे, घर परिवार के बड़े सदस्यों का अच्छा सहयोग देखने को मिलेगा, और आपके नेम फ्रेम में वृद्धि होगी। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव आपके राशि पर रहेगा, जिससे चारों तरफ आपके मान सम्मान यश कीर्ति में वृद्धि होगी, और साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा। आप बहुत सारे प्लानिंग करेंगे जिसके अकॉर्डिंग आपको बहुत अच्छी सक्सेस भी मिलेगी, यानी आपके पराक्रम में वृद्धि होगी। इस समय पर विद्यार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा है और संतान के लिए भी ये समय बहुत अच्छा है। जो लोग प्रेम संबंध में हैं उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आप अपने घर परिवार में शादी विवाह की भी बात करना चाहते हैं तो एक अच्छा सा समय देख करके अपने फैमिली में बात कर सकते हैं, जिससे आप अपने रिलेशन को और आगे ले जा करके एक अच्छे रिलेशन में बच सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं तुला राशि की। तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव अष्टम स्थान में होगा। अष्टम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। इस समय पर आपको स्वास्थ्य में पीड़ा हो सकती है, अधिक धन व्यय हो सकता है, अचानक से कुछ नुकसान हो सकते हैं।
तो इसमें आपको थोड़ा सा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस समय पर लंबी यात्राएं अधिक होंगी, यानी देश विदेश की भी यात्राएं हो सकती हैं जिसमें आपका धन व्यय अधिक मात्रा में होगा। आपकी सेविंग्स कहीं ना कहीं जो आपने बहुत टाइम से सेविंग्स कर रखी है उसमें कुछ उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो ये इन सभी चीज़ों में आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी है। घर परिवार से दूर जाना पड़ सकता है इस समय पर। हाँ, कोई नई इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए समय बहुत अच्छा है। वाणी में मधुरता देखने को मिलेगी और अपनों का सहयोग भी मिलेगा, घर परिवार का सुख मिलेगा। किसी धार्मिक कार्य की यदि आप प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा, हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। यदि आप अपने घर परिवार में कोई हवन यज्ञ अनुष्ठान करवाना चाह रहे हैं तो इसका बहुत अच्छा लाभ मिलेगा आपको, और इससे आपके बिगड़े हुए काम भी बनेंगे। तो इन सभी प्रकार के कार्यों में आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। घर परिवार यानी अगर आप अपना घर बनाना चाह रहे हैं या वाहन आदि खरीदना चाह रहे थे तो इसका सुख आपको प्राप्त होने वाला है। भूमि का क्रय विक्रय यदि आप करेंगे तो इसमें भी आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी जिससे आप काफ़ी हद तक, इस समय पर व्यय होगा लेकिन वो व्यय आपकी सुख सुविधाओं के अंतर्गत ही होगा। तो देव गुरु बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं वहाँ के लिए खराब करते हैं, तो स्वास्थ्य में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, यात्राओं में सावधानी रखनी है। अन्य क्षेत्रों में आपके लिए ये समय अच्छा रहेगा। बात करते हैं वृश्चिक राशि की, तो आपके राशि से सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। सप्तम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए ठीक ठीक रहेगा, बहुत अच्छा भी नहीं रहेगा और बहुत ख़राब भी नहीं कहेंगे, सामान्य रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव एकादश स्थान में होने से इस समय पर बृहस्पति आपके इनकम के स्रोत को बढ़ाएंगे, आय के स्रोत को बढ़ाएंगे। इस समय पर आपकी डेली इनकम में कुछ ना कुछ वृद्धि होगी। आप अपना काम अगर एक जगह छोड़ करके दूसरी जगह स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल रहेगा। यदि आप एक बिज़नेस के साथ दूसरा बिज़नेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो इसके लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन इसमें एक वीक पॉइंट आएगा कि अगर आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही उलझे रह जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, तो यदि आप अपनी पर्सनल लाइफ में ही उलझे रह जाएंगे तो इसके कारण आप अपने बने बनाए काम बिगाड़ लेंगे। तो आप अपनी पर्सनल लाइफ से, दाम्पत्य जीवन से थोड़ा सा हट करके अलग सोचें, क्योंकि पर्सनल लाइफ में आपके कलह कलेश इस समय पर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। तो इससे हट करके आप पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को थोड़ा सा अलग रखेंगे तो आप प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर पाएंगे, और इसके साथ साथ आपका नाम होगा, आप जहां पर भी जाएंगे आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी। कुछ ऐसे कार्य करेंगे आप जिससे लोग आपकी सराहना करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी अच्छा होगा, पराक्रम में वृद्धि होगी, कुछ नए काम नए प्रोजेक्ट आपको मिल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं धनु राशि की, तो आपके राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर छठे स्थान में होगा। छठे स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर धनु राशि के जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। इस समय पर काम में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, नई जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकते हैं, इनकम के स्रोत बढ़ेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। देवगुरु बृहस्पति आपके कर्म स्थान से नवम स्थान में गोचर करेंगे, इस कारण से आपके कार्य में जो भी आपके वर्क प्लेस में कोई रुके हुए काम थे वो सब काम आपके बनने वाले हैं। इसके साथ साथ देवगुरु बृहस्पति का गोचर द्वादश स्थान में रहेगा, तो धार्मिक कार्यों में और लंबी यात्राओं के भी योग बनेंगे, धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी, कुछ धन व्यय अधिक मात्रा में हो सकता है। और यदि आप लंबी यात्राएं करते हैं थोड़ा सा सावधानीपूर्वक यात्रा करना है। इस समय पर आपकी सेविंग्स काफ़ी अच्छी होंगी और इन्वेस्टमेंट भी यदि आप करते हैं तो बहुत अच्छा होगा। कुछ नए लोगों से मिलना और मिल करके कुछ उनसे नए काम की बातें करना आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है। तो ये चीज़ें अब आपकी लाइफ में होने वाली हैं। सो धनु राशि के जातकों के लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मकर राशि की, तो आपके राशि से पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर रहेगा। पंचम स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर काफ़ी अच्छा रहने वाला है। पंचम स्थान के भी कारक हैं देवगुरु बृहस्पति, तो इस समय पर शिक्षा, संतान, धन से संबंधित आपको बहुत अच्छे लाभ मिलेंगे। कोई नई एक्टिविटी में आपका इंटरेस्ट आ सकता है, भाग्य का सहयोग मिलेगा, पिता का सहयोग मिलेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, लाभ के अच्छे स्रोत इस समय पर, लाभ के बहुत अच्छे मार्ग आपको प्रशस्त होंगे, अच्छे स्रोत बनेंगे, इनकम आपकी बढ़ेगी, ग्रोथ होगी, और साथ में कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ करियर के लिए भी आपको मिलने वाली है। आप अपने स्टडी के साथ साथ कुछ नए काम इस समय पर करने वाले हैं। सो ये समय आपका काफ़ी अच्छा रहेगा। बृहस्पति का प्रभाव आपके राशि पर भी रहेगा जिससे आप कुछ लोगों की हेल्प करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड रहेंगे, यानी कोई गरीब इंसान या कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति जिसको इस समय पर किसी भी प्रकार से आपकी
धन से संबंधित या तन से संबंधित किसी भी प्रकार की ज़रूरत है, चाहे आप खुद पर्सनली जा कर के हेल्प करें या फाइनेंशियली हेल्प करें, लेकिन इस प्रकार से हेल्प करने से भी आपका इस समय पर मान सम्मान बढ़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से फल मिलने वाले हैं मकर राशि के जातकों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि से बृहस्पति का गोचर चतुर्थ स्थान में रहने वाला है। चतुर्थ स्थान में देव गुरु बृहस्पति का गोचर बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि बृहस्पति जिस स्थान में बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं। तो लेकिन जहाँ पर भी वो देखते हैं उसके लिए बहुत अच्छा फल देते हैं। कहते हैं किम करोति ग्रह सर्वे यद्यपि केंद्र बृहस्पति, तो यानी सभी ग्रह भी यदि आपके अनुकूल ना हो तो भी यदि एक बृहस्पति केंद्र में है तो भी कोई ग्रह मिलकर के आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं, यानी जनरली आपकी एक सीधे साधे तरीके से आपकी लाइफ चलती रहेगी। तो चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके घर परिवार से संबंधित थोड़ा सा कमज़ोर होगा, यानी आपको स्थान परिवर्तन करना पड़ सकता है, घर से दूर जाना पड़ सकता है, माता से दूर जाना पड़ सकता है या माता से विवाद भी हो सकता है। इसके साथ साथ आप कुछ अचानक से कुछ सडनली कुछ प्लानिंग करेंगे, अपने काम को लेकर के कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, घर परिवार से दूर जाने की प्लानिंग कर सकते हैं। इनकम के लिए समय बहुत अच्छा होगा, लंबी यात्राएं होंगी, देश विदेश की यात्राएं होंगी और करियर आपका बहुत अच्छा इस समय पर रहने वाला है, यानी करियर से रिलेटेड आपका समय बहुत अच्छा होगा और धन व्यय अधिक मात्रा में रहेगा। तो इस धन व्यय में स्पेशली आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है, अचानक से आपका नुकसान भी हो सकता है और अचानक से आपको गुप्त धन की भी प्राप्ति हो सकती है। नई लैंग्वेजेस सीखने के लिए समय बहुत अच्छा है और यदि आप कुछ नई चीज़ें प्लान कर रहे हैं बिजनेस में या फिर जॉब में कुछ नई चीज़ें प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलने वाली है। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये समय थोड़ा सा कमज़ोर रहेगा। देवगुरु बृहस्पति का गोचर पंचम से द्वादश होने के कारण कुछ लड़ाई झगड़े वाद विवाद हो सकते हैं, जिससे मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कुछ अलगाव जैसी कंडीशन हो सकती है। तो इस चीज़ में स्पेशली आपको केयरफुल रखना है, घर परिवार में अनुकूलता बना करके रखनी है, मधुरता बना करके रखनी है। तो कुछ इस प्रकार से फल प्राप्त होने वाले हैं कुंभ राशि के जातकों को। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मीन राशि की। तो मीन राशि से देवगुरु बृहस्पति का गोचर तृतीय स्थान में रहेगा। तृतीय स्थान में देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए ठीक रहेगा, सामान्य रहेगा। इस समय पर आपका पराक्रम बढ़ेगा, कॉन्फिडेंट लेवल अच्छा होगा, जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा, शादी विवाह के यदि आप योग्य हैं, आपकी एज है शादी की तो अब आपके शादी विवाह के भी योग बनेंगे, नए पार्टनर से मिलना, और इस समय पर यदि आप प्रेम विवाह भी करना चाहते हैं तो इसके भी चांसेस बने हुए हैं। तो आप एक अच्छा सा टाइम देख करके अपने फैमिली में बात कर सकते हैं और अपने रिश्ते को एक अच्छा सा नाम दे सकते हैं। बिजनेस इस समय पर पार्टनरशिप में करना आपके लिए अच्छा रहेगा, भाग्य का सहयोग मिलेगा, घर परिवार के सदस्यों का भी सहयोग मिलेगा। कोई नया काम यदि आप कर रहे हैं तो या फिर एक काम के साथ कोई दूसरा काम भी स्टार्ट कर रहे हैं तो इसके लिए भी समय आपका अनुकूल है। कार्य क्षेत्र में अच्छी तरह की होगी और इनकम के सोर्सेस बढ़ेंगे, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज सामने आएंगी। तो कुछ इस प्रकार से फल प्राप्त होने वाले हैं मीन राशि के जातकों को। तो दर्शकों, ये है देवगुरु बृहस्पति के राशि परिवर्तन से मिलने वाले फल। इसके अलावा भी अन्य 8 ग्रह हैं जिनका अपना अलग प्रभाव है, तो उनका संपूर्ण फल जानने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल करके हमसे संपर्क कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए प्यार भरा नमस्कार।